लेबनान में हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला की हत्या के बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला में विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा। यहां कई इलाकों में इसराइल विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने इसराइल विरोधी और अमेरिका विरोधी नारे लगाए और लेबनान स्थित आतंकवादी समूह के शीर्ष नेता की हत्या की निंदा की। बारामूला में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, उग्र प्रदर्शन न हो जाए, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की टुकड़ी तैनात रही। विरोध प्रदर्शन के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम बाधित हुआ था। चलिए आपको सुनवाते हैं प्रदर्शन में शामिल शख्स क्या कुछ कह रहे हैं। हम हिजबुल्लाह के साथ है, ईरान के साथ है, लेबनान के साथ है, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं, चाहे हमारा सर क्यों न कट दिया जाए, हम उनके साथ है। आज जनाब हम निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए, मजलूमों की हिमायत के लिए और उस अजीम हस्ती के लिए जिनका नाम हसन नसरुल्ला है, जिनको यहूदी और नसरानों ने बेदर्दी से शहीद किया। हम इसलिए निकले, ये वो हसन नसरुल्ला था जो गजा की माओ बहनों के चादर का रखवाला था। लिहाजा सोहनी हुकूमत इसराइल ने अपनी नापाक साजिश से उसको शहीद कर दिया। लिहाजा आज जो आपने देखा होगा, कई दिन पहले ये अफवाह हो रही थी कि रहबर मौजम आगा सईद अली खामनाई कहीं छुपे हुए हैं, गुप्त है। लिहाजा उन्होंने आज ये करके दिखाया, जबकि उन्होंने आज बड़ी इज्तिमा में नमाज जुमा तेहरान में कायम किया, उसके खुतबे से, उसके आज खुतबा है उसमें एक अच्छी बात नजर आई, क्योंकि उन्होंने जोर दिया है आलमी इस्लाम को कि हमें आज एकजुट होना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए, ताकि हम मजलूमों और बेसहारों की मदद करें। लिहाजा हम आलमी इस्लाम से गुजारिश करते हैं कि रहबर की उस बात का आप यकीन रखें और जुट हो जाए, ताकि हम इन सोहनी हुकूमत से मुकाबला करें। फिलहाल आप किस देखते हैं पूरे मामले को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।